कैसे हो आप सब? ओह यार, आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। चांद पर होने में और ठंडे पर चांद लगाकर खुश होने में कितना अंतर होता है, ये आज आपका भाई किट्टू बताएगा। यो यो किट्टू भाई, के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छी मेरा। एक तरफ इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा है मून पर, जो कि अभी सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में एंटर कर गया है ना, खुशी वाली बात, प्राउड वाली बात। और वहीं जमहूरी मुल्क पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? भीख मांगकर 40 करोड़ के झंडे पर चांद लगाकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं, जिन्होंने मुल्क की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। हाँ। ऊंचा बनने के लिए ऊंची उड़ान भरी जाती है, हार्ड वर्क किया जाता है और टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। झाइलो, आटा मांगकर कभी चांद पर नहीं पहुंचा जा सकता। आटा मांगकर, भीख मांगकर किसी दूसरे मुल्क को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। क्या बात है, क्या बात है, मर्डर कर दिया तुमने एकदम। इसरो ने जारी किया है ये वीडियो और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये वीडियो जरूर देखें और हिंदुस्तानी होने के नाते प्राउड फील करें और बोले भारत माता की जय। ये वीडियो देखकर मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया और हर हिंदुस्तानी का हो गया होगा और प्राउड फील कर रहा होगा। लेकिन वहीं आग लगी है पाकिस्तान में, जाके पिछवाड़े में। धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां आग लगी। मूव ऑन कर रही है मूव ऑन कर रही है। तो हमारे चंद्रयान के बारे में इन पाकिस्तानियों की क्या राय है, ये देखने के लिए चलते हैं पाकिस्तान और शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 जो कि मून के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और काफ़ी लोगों की नज़रें थी कि शायद ये फिर से इनका मिशन उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाएगा। हलवाई क्या? मैं तो अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि ये एक टॉपिक है जो इसमें हम बात कर रहे हैं, ये भी एक एम्बैरेसमेंट है। अगर ये चांद पे पहुंच जाता है फॉर एग्जांपल, तो मोदी साहब ने चौंक देना इंडिया नो, उसने कहना है भाई मैंने देखो मैं इंडिया को चांद पे लेके क्या। आप लोग रोना बंद कीजिए। चंद्रयान की तो बात करेंगे, एक आपको नई चीज बताते हैं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। हम सुंदरयान के बारे में भी बात, जैसे चंद्रयान है ऐसे सुंदरयान भी है। समुद्रयान मतलब वो, उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे अच्छा, पहले हाँ, वो समंदरयान जो समंदर में उनकी तरफ से मेरी बात दोस्त वगैरह जो, वो डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ चौधरी फवाद साहब की, उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन चौधरी साहब की मैं बात ये बताना चाहूंगा कि चौधरी साहब जो है वो बैठे बिठाई चांद को देख लेते हैं और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना ये, तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, पोल पे जो है, लेकिन इंडिया उस जगह पे जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा एप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनसे, चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं फवाद साहब से कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए, क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट तो ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूँ, उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह। और हमारे चंद्रयान 2 के बारे में फवाद चौधरी ने क्या कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपका भाई किट्टू राव जिंदा है ना, वो दिखाएगा आपको। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत है। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। अबे जब रोटी दूर से दिख जाती है तो उसको खाने की क्या जरूरत है, देख के पेट भर लिया करो। तो चाहे लो, जब चांद इनको जमीन से दिख जाता तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। वाह,
ये कहना पाकिस्तान के फॉर्मर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का। हमने अलबत्ता यहाँ पे एक नई इनोवेशन किया जो भी और किसी मुल्क में नहीं हुई। हमने ऐप बना दी है जिसमें आप मोबाइल पे जाके चांद खुद भी देख सकेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो देयर विल बी एन ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले वगैरह के ऊपर होगी जो आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप देख सकेंगे कि आज चांद कैसा नजर आ रहा है और क्या। अबे तू थोड़ा सा बह आ क्या? पाकिस्तानियों को अल्लाह हिदायत दे यार, कुछ प्रोपेगेंडा किया करो, थोड़ा सोच समझ। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है यहाँ से देख के। जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें, आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। लेकिन बात यह है शुएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते। लेकिन हम अपनी भूखमारी में गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तुम कितना ही रोलो पाकिस्तानियों, जब तक तुम्हारी आर्मी तुम्हें आजाद नहीं करती, आजादी की सांस नहीं लेने देती, तब तक तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तुम्हारी आर्मी तुम्हारा ना सिर्फ खून चूस रही है बल्कि तुम्हें जाहिल बना रही है। पूरी दुनिया जो मर्जी कर ले, लेकिन मुसलमान से ज्यादा कोई चीज नहीं है। इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर की? बहुत ऊपर की। तेरी माँ का टणा मारू मादर। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को एप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है दुनिया में, पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूं, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं। अभी इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उसमें खजाने भी ढूंढ सकते हैं, बड़ा कुछ मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है जो फील होता है कि आप यहाँ शॉप पे बैठते हैं और पाकिस्तान की खबरों से ज्यादा इंडिया की खबरों को सुनते हैं। नहीं, मतलब मैं आपको बताता हूँ शुएब भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं पाकिस्तान नहीं हूँ। हमारा मैंने आप देखे, मैंने आपके कोई इल्जाम नहीं लगाया, मुझे फील होता है कि आपको हर अच्छा मैं इस चीज को भी इल्जाम से लेके चलता हूँ। देखिए, जब हम पाकिस्तानी ना इतने बदनसीब हैं, इतने बदनसीब हैं कि हम लोगों को बात बड़ी देर से समझ आती है, इतनी देर से समझ आती है कि जब तक आपकी गाड़ी निकल गई होती है। तो पूरा वीडियो आपने देखा, वीडियो देखने के बाद आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, लव यू माय किटकैट्स। तो आपका सॉरी। और वही जमहूरी मुल्क पाकिस्तान रुको सॉरी, चांद पर होने में और चांद यार सर मून के ऑर्बिट सॉरी ऊंचा बन सॉरी तो हमारे चंद्रयान के सक्सेस की राय, अरे यार क्या बोल रहा हूँ बेटा, ऊंचा बनने के लिए ऊंचे डंडे का काम नहीं किया जाता सॉरी। तो आज आप सबके यार हंसी आ रही है। तो आज आप योर शिट